अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू न्यू गेम प्ले ऑफ GTA 5। तो गाइस यार कैसे आप सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस यार पिछले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि भाई हम लोग है ना जहाँ पर ड्रग्स डीलिंग करते हैं ना सही वाली के माफिया वाले, उनका अड्डा मैंने पकड़ लिया था और वहाँ पर है ना उसके बाद सीक्रेट एजेंट के पास उनको भी पकड़ लिया था मैंने। सीक्रेट एजेंट को अपन है ना लेस्टर के पास लेके आ चुके थे और लेस्टर के घर पे सॉरी, और उसके बाद उसको अपन ने सही वाले मारे भाई इस डंडों से, सही वाले मारे बेसबॉल बैट से भी। इतना मारा भाई उसको फिर भी नहीं बोला, लेकिन यार वीडियो के बाद भी बहुत ही मारा भाई, बहुत मारा कि उसकी हड्डियां पसलियां सच्ची से टूट गई होंगी। तो यार मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई किन किन डंडों से मैंने कैसे मारा था इसको, यार देख लो आप लोग कि कितना बुरा मारा है मैंने इनको। ये तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि भाई किस किस से मारा है, लेकिन यार ये देख लो भाई कितना खूनम खून हो रखा है वो बंदा। तो गाइस यार ये देखो भाई कैसे बैठा हुआ है, बिल्कुल मतलब भाई हड्डियां वड़ियाँ सब टुटवा के बैठा हुआ है, लेकिन यार बताने को तैयार नहीं है। मैंने बोला भाई मैं तेरे को नहीं मारना, अब मैंने अब इसको छोड़ दिया भाई। अब मैंने बोला भाई लेस्टर को फ़ोन किया और लेस्टर ने बोला भाई इसका एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा अपन को, तुम गारमेंट फैक्ट्री ले आओ इसको। तो गाइस यार गारमेंट फैक्ट्री ले जाने के लिए ना मेरे को गाड़ी चाहिए होगी एक, और भाई उस गाड़ी में लेके नहीं जा सकता, इसकी गाड़ी है उसमें ट्रैकिंग सिस्टम होगा, लेकिन यार अपन यहाँ पर भी ले आए थे। लेकिन चलो यार अभी फ्रैंकलिन को कॉल कर लेता हूँ और उससे नई गाड़ी मंगा लेते हैं, कोई दे जाए तो अच्छी बात होगी। तो चलो यार मैंने उससे बात कर ली और वो कह रहा है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने बोला भाई वो जो नीचे गैरेज में गाड़ी खड़ी है ना वो तुम ले जाओ, क्योंकि भाई इसके बंदे आते ही होंगे, अगर वो आके देख लेंगे ना तो बड़ा मामला हो जाएगा। इससे पहले कि तुम यहाँ से ले जाओ इस गाड़ी को और भाई कोई नई गाड़ी से दे जाओ, कोई पुरानी दे जाओ, जैसी भी गाड़ी देके जानी है दे जाओ बस तुम। तो गाइस यार इसको लेके चलते हैं अभी जल्दी से अपन। तो गाइस यार यहाँ पर देख सकते हो इसको इतनी मुश्किलों से मैंने खड़ा किया है, तो फाइनली भाई ये खड़ा हो चुका है। तो अभी इसको अपन लेके चलते हैं सीधा भाई लेस्टर के पास। और गाइस देख सकते हो यार कितना स्लो चल रहा है भाई ये, मेरे को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा है वैसे इस पे, लेकिन यार मेरे को बेचारा भी लग रहा है क्योंकि भाई ये सिर्फ है ना सीक्रेट एजेंट है, ये छुपाता है भाई चीज़ों को, लेकिन यार इसका काम भी होता है और ये बताता भी है। वैसे इस पे भी अपन को रैम नहीं करना चाहिए, वैसे अपने किया भी नहीं है यार इस पे इतना रैम तो, लेकिन यार अभी ना इसको मारना नहीं है, बस इसको दिमागी तवाज़ुन से आउट कर देना है और ब्रेन वॉश कर देना है इसका। तो चलो यार गाइस अभी जो है ना फाइनली मैं पहुंच गया हूं इसको लेके, भाई बहुत ही आहिस्ता उतरा ये ले। और भाई वो देखो सामने गाड़ी खड़ी है, ओके भाई इसमें बैठ के चलेंगे अपन और भाई ओपी आएगा, लेकिन यार ये गाड़ी, ओ भाई साहब हेडलाइट देखो यार इसकी, ओपी ओपी भाई, ये तो गाड़ी मैं खरीद लूँगा उससे, मेरे को ऐसी गाड़ियाँ वैसे ही बहुत पसंद है लेकिन यार अपन को कभी मिली नहीं। तो चलो यार इस गाड़ी में लेके चलेंगे इसको लेस्टर का भाई, ये जो घर है ना बिल्कुल गारमेंट फैक्ट्री सॉरी बिल्कुल सीधा ही पड़ती है, तो ये इधर से ही जाएंगे अपन बिल्कुल सीधा सीधा गारमेंट फैक्ट्री। तो चलो यार अभी जल्दी से चलते हैं। वैसे इसको ऐसी गाड़ी कहाँ मिल गई भाई, आर्मर वाली गाड़ी है ये तो, और भाई इसमें वेपन्स लगा हुआ है सामने देख सकते हो आप लोग, निशान भी आ रहा है एमिंग का। तो यार इसको भाई मैं खरीदने वाला हूँ भाई इससे फ्रैंकलिन से। तो चलो यार अभी जल्दी से फिलहाल इसको लेके चलते हैं भाई कैसे भी करके। ओके भाई देख सकते हो कैसी चोटें लगी हुई हैं, लेकिन अपन को लेके जाना है भाई इसको किसी भी सूरत में। तो गाइस यार फाइनली भाई मैं काफ़ी आगे आ चुका हूँ और भाई इसको लेके जाऊँगा, तो भाई लेके जाने में अपन को कोई भी नहीं रोक सकता। अभी जल्दी से फिलहाल निकलते हैं यहाँ से। ओके भाई यहाँ से गोलियाँ पड़ी, ओ भाई ओ भाई ओ भाई 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 जल्दी मुड़ा यार बस वाले, ओ भाई सही वाला सीन होगा यार, इसको बचाना है भाई गाड़ी को कुछ भी हो जाए, मेरे को भी कुछ गया इसको बचाना है यार सब चीज़ें, इसको कुछ हो गया ना अपने सारे सीक्रेट निकल जाएंगे। भाई ये बंदा कौन था यार, अभी भी गोलियां चला रहे हैं पता नहीं क्या हो गया इनको, ये मेरे को लग रहा है ट्रैफिक वालों को मार रहे हैं। और भाई अपनी गाड़ी में भी जो वेपन लगा हुआ है ना इसमें भी भाई काफ़ी अच्छा ही भाई पिकअप वगैरह है इसमें, भाई देख सकते हो गाड़ी में भी पिकअप अच्छा है। तो मैं सोच रहा हूँ भाई इनको डायरेक्ट फायर मारते हुए चले भाई, चलो यार अभी जल्दी से चला लेना फायर मारते हुए चलते हैं भाई इनको। ओके 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 जल्दी से कोई तो मर जाए यार, ओ भाई भाई फुली मार रहे हैं यार अपन को, ओ भाई ये नहीं मरना चाहिए यार, ये तो बड़ा गलत है सीन हो जाएगा यार अपने साथ, बहुत ही गलत सीन होने वाला है, लेकिन यार इसको लेके चलते हैं। ओके 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 फाइनली पहुंच तो गए अपन यार यहाँ पर लेस्टर के गारमेंट फैक्ट्री पहुंच गए, यहाँ पीछे ना आ जाए अपने तो यार अपन को यहाँ गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि ये बेहोश हो चुका है यार। और भाई गाड़ी पे देख सकते हो कितनी गोलियाँ लगी पड़ी हैं, लेकिन यार इसको छोड़ के जाना पड़ेगा, मेरे को उनको सही वाला मजा चखाना पड़ेगा, मेरे पास एमोस भी नहीं है केम की यार, शिट भाई बहुत ही गलत सीन हुआ है। तो चलो यार अभी जल्दी से फ्लैट उनको मारना तो पड़ेगा ही अपन को, तो अपन भी भाई आराम से जाएंगे क्योंकि अपन भी भाई काफ़ी दिन के, दो दिन के तकरीबन सोए हुए नहीं है भाई इसके, भाई इसके पीछे लगे हुए लिटरली भाई अपन। तो यार इनको तो मारना है, बहुत ही गुस्सा आ रहा है भाई मेरे सर में, बहुत ही दर्द हो रहा है, तो इनको तो अपन को मारना ही मारना है। ले बेटा तू भी जा, तू भी जा, फिलहाल अभी जल्दी जल्दी जाओ यार, काफ़ी देर हो गई मेरे को भी इसको घुमाते घुमाते।
फिलहाल अभी लेस्टर के पास तो ले आया हूँ, लेकिन यार ये बीमार हो गया है। बीमार से मुराद भाई इसको जो है ना सही वाली चोटें आई हुई हैं, और भाई ये जो है ना बताएगा तो नहीं मेरे को ख्याल में, लेकिन यार इसको बताऊंगा कि भाई ये जो के माफिया का दरक करा धरा है और भाई उसी ने तुम्हारे को मरवाने की कोशिश की है। अगर भाई ये उठ गया, वैसे ये मेरे को लग तो नहीं रहा यार वो उठेगा। भाई बड़ा ही गलत सीन हो गया यार। तो यार इनको तो उठाना पड़ेगा अपन को, इनको उठाओ भाई, अब इनको उठाओ, इन गंजों को उठाओ भाई। इन्होंने किया यार, ये एक ही ड्रेस में भाई सारे के सारे गंजे हमारे को मारने आ गए। पता नहीं यार कौन सी गेंग थी है, फिलहाल पता नहीं किन किन गेंगों से अपना पाला पड़ा हुआ है। तो चलो यार अभी जल्दी है, फिलहाल इनकी गाड़ी लेके चलते हैं और इनकी भी भाई ट्रैक करवाएंगे कि भाई ये आई कहाँ से थी असल गाड़ी, और भाई कहाँ पर इनका मुकाबला मतलब कैसे था, किस रास्ते से आई है, और ये कौन थे बंदे, सब अपन को करवाना पड़ेगा। अभी जल्दी से फिलहाल है ना मैं इसको लेके चलता हूँ। ओके भाई यहाँ तो पहुँच गया अपन, लेकिन यार मेरे को उससे पहले ना इसको हॉस्पिटल ले जाना है। तो यार मेरे को है ना अकेला बंदा तो मैं नहीं कर सकता, फिलहाल मेरे को ट्रेवल लेस्टर से भी बात करनी है। तो मैं सोच रहा हूँ भाई ड्राइवर को बुला लेता हूँ, तो गाइस यार उसको भी कॉल करनी पड़ेगी ड्राइवर को। तो चलो यार अभी जल्दी से फिलहाल है ना मेरे को कॉल तो करनी है, लेकिन यार गाड़ी की हालत देख सकते हो यार, इस बंदे की हालत देख सकते हो, लेकिन यार अपन को ड्राइवर को तो जल्दी से बुलाना है। तो गाइस यार ये रहा कॉल, ओके भाई जल्दी से कर लेते हैं भाई इसको कॉल। तो गाइस यार मैंने कॉल कर ली है और वो कह रहा है कि भाई मैं इधर ही हूँ, लॉस सैंटोस के अंदर ही घूम रहा हूँ, शुक्र है मैं विलेज जाने ही वाला था, लेकिन मैंने बोला भाई एक काम है जल्दी से पहुँचो, और भाई वो बोल रहा है कि भाई आप 5-10 मिनट के अंदर पहुँच ही जाऊँगा। मैंने बोला गारमेंट फैक्ट्री दे रखी है लेस्टर की, मैं उसको 1-2 दफ़ा लेके आ चुका हूँ यहाँ पर। तो गाइस यार आई होप कि वो सही जगह पर आ जाएगा। तो गाइस यार काफ़ी देर हो गई, आया नहीं अभी तक। ओके भाई आ गया आ गया आ गया, और लेकिन यार गाड़ियों को ठोकता हुआ आ रहा है, इतनी टेंशन में भी गाड़ियों को ठोकता हुआ आ रहा है। लेकिन यार ये भी भगाता हुआ लाया होगा गाड़ी को, लेकिन इसके ट्रक को कुछ नहीं होने वाला, काफ़ी देर हो जाएगी इसको। तो गाइस यार इसके साथ बिठाते हैं और भाई चलता करते हैं, फिर उसके बाद लेस्टर की भी बात सुननी है अपन को। तो चलो यार जल्दी से करते हैं ये सारा काम। तो गाइस यार फाइनली भाई मैंने इसको बिठा दिया, काफ़ी देर भाई ये फटा करता रहा है गाड़ियों वाला से, लेकिन यार ये वाली गाड़ी मैंने लेके जानी थी। बोला भाई इसको क्या हो गया, तुम्हारे को बताया नहीं तुमने कभी, लेकिन मैंने बोला भाई अभी बताने का टाइम नहीं है, तुम जल्दी से बस इसको हॉस्पिटल लेके जाओ और बाकी बातें ना बस इसको ठीक करवा दो वहाँ से, बाकी बातें ना मैं तुम्हारे से आके करूँगा। अभी फ़िलहाल जल्दी से चलते हैं लेस्टर के पास। तो गाइस यार फिलहाल है ना अभी जो है ना डार्कनेस ब्रोस का इंट्रो आ गया था, अभी फिलहाल अपन ऊपर आ चुके हैं फाइनली, और भाई ये रहा लेस्टर, फिलहाल इससे लेस्टर से भी बात कर लेते हैं भाई, इसको सारा मामला बता देते हैं अपन। तो गाइस यार फिलहाल इसको सारा मामला बता दिया है, लेकिन यार ये कह रहा है कि भाई ये जो तुम्हारे नंबर प्लेट्स है ना, इनको भाई ये अपन ट्रैक करवाने पड़ेंगे, तुम अपनी गाड़ी जो लेके आए हो ना वहाँ से वो भी देना मेरे को नंबर प्लेट, और भाई ये वाली है ना ये इसका भी भाई इधर ही छोड़ जाओ, इस गाड़ी को भी, इसको तो मैं बाद में भी चेक कर लूँगा, लेकिन यार तुम अभी जाते जाते ना अपनी गाड़ी का दे जाना। और भाई इसकी जो हेडलाइट्स है ना मेरे को बड़ी मस्त लगी है, फ्रैंकलिन को तो बोलूँगा भाई ये गाड़ी मेरे को ही दे दे। तो गाइस यार देख सकते हो ओपी लग रहे हैं भाई। अभी फिलहाल है ना अपन को जाना पड़ेगा सीधा अपने घर पे, क्योंकि अपन 2-2 दिन से सोए नहीं है भाई, लिटरली भाई बहुत ही सर में दर्द हो रहा है। भाई मैं जो है ना सोच रहा हूँ के माफिया को है ना एक ही दफ़ा में प्लान एक करते हैं और भाई सारा ख़त्म कर देते हैं, मैं ट्रेवर और फ्रैंकलिन चलते हैं और सब कुछ फाइनल करके आते हैं। भाई ये बहुत ही तंग कर रहा है भाई अपन को के माफिया, फिलहाल इसका भाई भी यार उससे भी लड़ना पड़ेगा, अगर वो आ गया बीच में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अपन इसको चुपचाप मारेंगे ना तो उसका भाई नहीं पहचान सकता, इसी वजह से यार अपन को थोड़ा सा एहतियात रखनी पड़ेगी वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो गाइस यार फाइनली भाई मैं पहुंचने वाला हूं अपने घर पे, तो चलो यार अभी जल्दी से फिलहाल लेना, अपन को देर नहीं करनी चाहिए और सीधा अपने घर पे चलते हैं, बाकी अपन प्लान करेंगे ज़बरदस्त सा। कुछ दिन रुक जाओ, अपने पास पैसा वैसा भी नहीं अभी, तो यार जल्दी से चलते हैं, अपन को गाड़ी वाड़ी बेचनी पड़ेगी, तो चलो यार जल्दी से चलते हैं अभी घर। तो गाइस यार फाइनली पहुंच गया हूं मैं भगाता भगाता घर पे, और भाई यहाँ पर भाई एम्बुलेंस का साउंड आ रहा है। अभी फिलहाल हट जाओ भाई, फायर ब्रिगेड का साउंड भी आ रहा था यहाँ पर। ओके भाई फायर ब्रिगेड का ही आ रहा है, एम्बुलेंस का तो आया नहीं भाई अपन को। तो चलो यार अभी जल्दी से अंदर की तरफ चलते हैं। ओ भाई अपना कैरिज खुला हुआ है, ओ भाई साहब। तो गाइस यार ये क्या कर दिया यार, अपनी हुरकान और रोल्स रॉयस यार जो अपने को गिफ्ट मिली थी। ओके अपने घर चलते हैं। ओ भाई इसको कुछ नहीं किया। ओके ओके सेंसर लगा हुआ, सेंसर डोर है ना ये बहुत बचा देते हैं, सिर्फ ये यार कि भाई अपन है ना बच गए यहाँ पर। लेकिन गैराज में ऑटोमेटिक नहीं ना, तो इस वजह से मुसीबत होती है। अभी जल्दी से ऊपर चलते हैं यार, विंडो के रास्ते ना आ गए हों यार वो। लेकिन यार यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला होगा इनको। ओके ओके यहाँ पर भी कोई नहीं है, आगे देख लेते हैं। जिम्मी का घर के पास तो विंडो नहीं है, तो यार यहाँ पर भी नहीं है, कमरे के पास सॉरी मैं घर बोल रहा हूँ, लेकिन यार जिम्मी के गेट के पास भी ना मतलब सॉरी रूम के पास भी विंडो नहीं है, तो इस वजह से वो सेफ है। लेकिन यार देख सकते हो यहाँ पर भी काफ़ी ग्रेनेड वरनेड फेंकने की कोशिश की होगी, देख सकते हो यार आप लोग सारी तबाह कर दी मेरी गाड़ी।
पर ये गाड़ी बहुत नुकसान कर दिया यार, घर का भी अलग करना था तुम्हारे को। फिलहाल ये दीवारें वारे तो कर दी हैं, इसको तो अपन को सही करवाना पड़ेगा। और गाड़ियाँ अगर सही होती है ना तो प्लीज़ यार मैं बेनी को बुलाऊंगा भाई, बेनी से करवाऊंगा ये काम। लॉस सैंटोस कस्टम से बुलाना पड़ेगा उसको। तो गाइस यार बहुत ही, अब तो फिलहाल मेरे को है ना पूरा प्लान करने का सोच रहा हूँ कि भाई इसको मार ही दूँ यार, मैं आज ही कल में यार मार ही दूँ उसको। तो गाइस यार अभी जो है फिलहाल है ना मैं जो है ना सोने जा रहा हूँ, क्यों भाई ये देखो कैसी फायरिंग मार रही है। मैं तो सोच रहा हूँ भाई इसको अपने पास ही रखूँगा, तो फिलहाल इस गाड़ी को यहीं पर खड़ा कर देते हैं। और भाई वो जो गाड़ियाँ थी ना भाई, अभी उसके बारे में भी पूछना है मेरे को लेस्टर से। फिलहाल अभी जो है ना अपन सो हो जाते हैं और उसके बाद जब उठेंगे ना उस बात करेंगे। तो गाइस यार ये वाली वीडियो इतनी छोटी थी बताए, लेकिन यार अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।